भारतीय क्रिकेट टीम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपने T20 वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत करेगी। यह एक सुपर 12 राउंड का मैच होगा। इस मैच पर फैंस की नजरें गड़ी हुई हैं। लोग बेसब्री से इस मैच का इंतजार कर रहे हैं और यह भी निगाहें लोगों की जमी हुई है कि इस मैच में आखिर भारतीय टीम की तरफ से कौन कौन खेलेगा। तो हम आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को होने वाले इस मैच के पहले ही भारत की प्लेइंग टीम का खुलासा हो गया है। जी हाँ, मैच से पहले ही भारत की प्लेइंग 11 का खुलासा हो गया है। अमूमन यह परंपरा रही है कि प्लेइंग 11 का चुनाव आखिरी समय में किया जाता है, लेकिन यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि वह आखिरी समय में प्लेइंग 11 चुनने में विश्वास नहीं रखते। जी हां, उन्होंने पहले ही 11 प्लेइंग 11 तय रखा है और जो वह प्लेइंग 11 है वह खुलासा हो गया, उसका लीक हो गया है और वह हमें पता चला है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की टीम खेलने वाली है, हम आपको बता दें कि उस टीम में 5 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर, 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज खेलने वाले हैं। बात तेज गेंदबाजों की जाए तो अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भारत की प्लेइंग 11 में शामिल है। इसके अलावा रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यजुवेंद्र चहल भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि 3 दिग्गज खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज हर्षल पटेल को टीम से बाहर रखा गया है। अब देखना है कि भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच में कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल सभी दर्शकों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यू इंडिया हेराल्ड के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।